अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमना तनवीर के कलम से तहरीर करदा नावल सीक्रेट के एपिसोड नंबर 13 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जाने। गुड मॉर्निंग, वो कहती हुई स्टीफन के लबों पर अपने लब रखने लगी। गुड मॉर्निंग बेबी, वो जो उस पर झुकी थी पीछे होने ही वाली थी कि स्टीफन ने उसे कमर से पकड़ लिया। क्या इरादे हैं तुम्हारे? उसके चेहरे पर उंगली फेरते मुस्कुराहट दबाने लगी। इरादे तो कोई ख़ास नहीं, लेकिन आज बाहर जाने का दिल नहीं, वह कहता हुआ फिर से आंखें बंद करने लगा। नहीं यार, मुझे ऑफिस जाना है लाजमी। जैनी ने दो बार मुझे कॉल करके बुलाया है, कुछ मसला हो गया जो जल्द से जल्द हल करना लाजिम है, वह कहती है। उसके सीने पर सरक कर ली गई। तो मैं क्या करूँगा वहाँ, वो उसी अंदाज से बोला। अब से तुम भी ऑफिस मेरे साथ जाया करो, मेरा बिजनेस तुम्हारा ही तो है, संभालो उसे अब तुम्हें, वह कहती हुई झटके से ऊपर उठी। हरीम, वो तुम्हारा ऑफिस है, तुम बॉस हो, मैं नहीं, उसने संजीदगी से कहते हुए तसीह की। तुम्हारा शौहर अभी बॉडीगार्ड बनकर घूमता रहेगा क्या? उसे खामोश पाकर वो फिर से गोया हुआ। नहीं बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो मैं फ़ौरन शादी पर आमादा हो गई। वो बेड क्राउन को देखती किसी गहरी सोच में मालूम हो रही थी। ऐसे तो मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं जा सकता, मैं कैसे जाकर ऑफिस संभालूं, वो खतियत से कहता आंखों में सवाल लिए उसे देखने लगा। अच्छा मेरी बात सुनो तुम, मैं जैसे किसी नतीजे पर पहुंच चुकी थी, वो बेड क्राउन से टेक लगाने लगा तो हरीम उसकी गोद में बैठ गई। मैं कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम कर देती हूँ, फिर वो तुम्हारा भी ऑफिस होगा, तुम भी वहाँ के बॉस में शुमार होगी, उसका हाथ अपने हाथ में लेती मोहब्बत से बोली। ये बेहतर है, उसने सर हिलाया। तुम ऐसा करो, पेपर्स तैयार करवाओ और मैं आधे शेयर तुम्हें दे देती हूँ, उसके बाद कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा, मुतमईन से होकर उसकी गर्दन की गिद बाजू हमायल करने लगी। हाँ फिर कोई मसला नहीं होगा ऑफिस जाने में, वो मुभम सा मुस्कुराया। अच्छी से स्माइल दो मुझे, वह रूठेपन से बोली। अब ठीक है, उसके लब पर बोसा देता मुस्कुराने लगा। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, जल्दी से चेंज कर लो तुम, फिर ऑफिस चलते हैं, अगर आज भी ना गई तो अंकल नाराज़ होंगे, वो बालों को कैचर में बांधती बेड से उतर गई। अच्छा न जाने आज क्यों सुस्ती सी हो रही है, वो अंगड़ाई लेता कोफ्त से बोला। वापस आकर सारी सुस्ती दूर कर दूंगी मैं, अभी ताखिर मत करवाना मुझे, वो दरवाज़ा खोलकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। मेरे लिए भी कुछ निकाल दो मैं जो तुम्हें पसंद हो, वो फ़ोन उठाता बुलंद आवाज़ में बोला ताकि उसकी समाज तक रसाई हासिल कर ली। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। हाँ मैं निकाल रही हूँ, तुम उठकर शॉवर ले लो स्टीव, वो मुँह बाहर निकालते खफके से उसे देखने लगी। हाँ बस आ रहा हूँ, मैं मैसेज लिखता कंबल परे करने लगा। ऐसी देर हो जाए कि मुझे मालूम है, अंकल वक्त के पाबंद है और उन्हें इंतजार करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो हैंगर आगे पीछे करती अपने लिए शर्ट ढूंढ रही थी। ओके मिस हरीम, वो ड्रेसिंग रूम में आता वॉशरूम में चला गया, बस की बात पर मुस्कुराती अलमारी बंद करने लगी। अब पेपर पे साइन कैसे होंगे, अगर मैंने खुद उसे दिया तो पूछे कि किस चीज़ के पेपर हैं, वो सामने मेज़ पर रखे पेपर्स को देखते खुद कलामी कर रही थी। उसी दिन अगर वह हरीम को ले जाते तो कोई मसला ही ना होता, नौशी ने कहते हुए दांत पीसे। जितना वो स्टीफन के इश्क में मुबतला है कोई बैर नहीं उससे कि सब कुछ उसके हाथ में दे बैठे, नहीं भी देती तब भी सब उन दोनों का ही होगा, वो सोच सोच कर ही हलकान हो रही थी। अभी तो रखो इनको, कोई आ ही जाता है, वह तशवीश से कहती पेपर उठाकर अलमारी खोलने लगी। आसिम से पूछती हूँ मीटिंग का क्या बना, वो बैग हैंडबैग उठाकर दरवाजे की सिमत बढ़ गई। तुम तो कह रहे थे कुछ करता हूँ, समाविया तीखे तेवर लिए बोली। क्या करता मैं, एक तो ने कहा भी इतनी जल्दी में कर लिया उन दोनों ने, उल्टा बरहम होने लगा। मगर तुमने तो कुछ नहीं सोचा ना, मेरी बात सुनो, आप जायदाद के हिस्से होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, सोचा है तुमने कुछ, सब कुछ तो उन दोनों माँ बेटी का है, वो बाजू से पकड़कर अपनी जानी मोड़ने लगी। मैं क्या करता उस स्टीफन के साथ, मारना ही एक हाल था, और अगर मैं ऐसा करवा भी देता तो इतना यकीन मुझे हो गया था कि उसके बाद भी हरीम ने मुझसे शादी नहीं करनी थी, वह सूख से कहता हंकारा भरने लगा। तुम्हें जाल में फंसाना ही नहीं आया, उस स्टीफन को देखो चंद महीनों में ही ले उड़ा हरीम को, और तुम इतने सालों के बाद भी नाकाम ही रहे, वह दुख और अफसोस के मिले जुले तासरात लिए उसके पुश्त को देख रही थी जो खिड़की से बाहर देख रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। उसे मैं कभी भी पसंद ही नहीं था, असल बात ये थी, वह नीचे हरीम और स्टीफन को देख रहा था जो गाड़ी की जाने बढ़ रहे थे। अब जो मर्जी कह लो तुम, हाथ से तो निकल गया सब, वो बेचारी से कहती बेड पर बैठ गई। मामा मैं दरवाजे पर होने वाली दस्तक के बायस वो खामोश हो गया। आपको नौशीन मैडम ने बुलाया, नैना दरवाज़ा खोलती अंदर झांक कर बोली। आ रहा हूँ, वह सर हिलाता साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाने लगा। वो मजीद बहस का इरादा नहीं रखता था वो, इसलिए फ़ौरन नैना के पीछे बाहर निकल गए। सारी जिंदगी खाला की चापलूसी करता रहा, जिसको राजी करना था उसका कोई ध्यान ही नहीं था, और वह बाहर वाला ले उड़ा उस सोने की चिड़िया को, वह दरवाजे को देखती जल भून कर बोली। किसी के मुंतजर हो तुम, वो काफ़ी देर के बाद बोल उठी, गाड़ी क्लब के बाहर रुकी हुई थी। हाँ किसी से मिलना था मुझे, वो फ़ोन उठाता टाइम देखने लगा। गाड़ी में मिलना है, अलीना ने आगे होकर एक नज़र बाहर डाली, खाली सड़क पर इक्का दुक्का लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। नहीं अंदर क्लब में, मैं सोच रहा था तुम्हें गार्ड के साथ वापस भेज दूँ या अंदर साथ ले जाऊँ, वो चेहरे पर उलझन भर लिए बालों में हाथ फेरने लगा। तुम्हारे जैसे लोग होंगे ना, वो कयासराई करने लगी। जाहिर है अपने जैसे लोगों से बिजनेस किया जाता है, वो उसके बाद पर मुस्कुराया।
हम कब शादी करेंगे? उसके टैटू वाले हाथ पर अपना हाथ रखती उंगलियां आपस में क्रॉस करने लगी। कर लेंगे, जल्दी किस बात की? उसका अंदाज टालने वाला था। अहान की सारी तवज्जो बाहर थी। हरीम ने तो चटपट ही कर ली, हमें भी कुछ वक्त तक कर लेनी चाहिए। मामा से तो तुम्हें मिलवा चुकी हूँ मैं। वो निगाहें उसे स्याह रंग की स्याही से बने टैटू पर जमाई हुई थी जो हमेशा उसे ऐसे ही भाते थे जैसे पहली बार देख रही हूँ। हाँ, उसकी जानिब से कोई जवाब ना पाकर वो बरहमी से बोली, यस बेबी गर्ल। वो उसकी जानिब मुँह मोड़ता मुस्कुराया। कुछ कह रही हूँ मैं, वो आंखों में खुफ के लिए उसे देख रही थी। मैंने सुना नहीं, अब बता दो, उसके रुखसार पर हाथ रखता नरमी से बोला। वो होवर्ड को गाड़ी से उतरते देखकर खामोश हो गए। रहने दो, ऐसा करो मुझे घर भिजवा दो, ड्राइवर के साथ थक गई हूँ मैं, जाकर आराम करूँगी। निगाहें होवर्ड पर थी जो क्लब में दाखिल हो रहा था। अच्छा ठीक है, वह कहकर फ़ोन उठाने लगा। तुमसे सामना नहीं करना मुझे, वह दिल ही दिल में कराहियत से कहती विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी थी। ओके मैं तैयार हूँ, उसे अंदर आता देखकर बोली। स्टीफन दरवाजे की नॉब पर हाथ रखे उसे देखने लगा जो सफ़ेद रंग के पाँव तक आती मैक्सी जेबें तन किए हुए थी। डायमंड का नेकलेस गर्दन की जीनत बना हुआ था। गोल्डन ब्राउन बाल जूड़ी की शक्ल में कैद थे जिनमें से दो तीन लटे चेहरे पर झूल रही थी। चेहरे पर लाइट सा मेकअप उसे मशरक़ की दुल्हन से ही अक्सर तखय्युर बना रहा था। पिंक कलर की लिपस्टिक से पोशीदा होंठ मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि अब मेरा नीचे जाने का दिल नहीं करा, उसके सामने रुकता रुखसार पर हाथ रखने लगा। हमारे बाखैर पार्टी अधूरी होगी मिस्टर स्टीफन, इसलिए अपने दिल को थोड़ा संभाल कर रखें, उसने उसके सीने पर हाथ रखते हुए मगरूराना अंदाज में कहा। ठीक है फिर चलते हैं, वरना मेरा इरादा तगय्युर हो जाएगा। उसकी कमर पर हाथ रखता कदम उठाने लगा तो हरीम भी उसके हमराह चलने लगे। लॉन में मानों से भरा हुआ था जब उन दोनों ने बाहर कदम रखा। बाकी की रोशनियाँ बंद कर दी गई थी और एक फोकस लाइट उन दोनों पर रोशनी डालने लगी। सब लोगों की तवज्जो का मरकज वही दोनों थे। उस शीशे के मसनूई फर्श ने घास को मुकम्मल तौर पर छुपा दिया था। वो बाएं जाने बने स्टेज की जाने बढ़ गए जिसे सफ़ेद रंग के फूलों से मजयन किया गया था। पता नहीं और कितना दिल चुराना है इस लड़की ने मेरा, समावियों ने देखती हकारत से बोली। आप इस चीज़ को कबूल कर लेंगी तो फिर ये जलन नहीं होगी, मुझे देख लें, आसिम ने चेहरा मोड़कर उन्हें देखा। न जाने कैसे तुम इतने मुतमईन हो, एक अरसा तुम्हारी मंगेतर रही है ये लड़की, और आज देखो। वो दोनों छुरी पकड़ रहे थे। सामने चार तह पर मुश्तमिल सफ़ेद रंग का केक था जिस पर गोल्डन कलर के मोती लगाकर उसकी आराइश की गई थी, जबकि केक के वस्त में दुल्हा दुल्हन का एक छोटा सा कपल मबसूद था। केक काटते चारों सिम से तालियों की आवाज़ सुनाई थी। मासी था वो, आप भी माँ से समझ कर भूल जाएं क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं, जब खाला कुछ नहीं कर सकें तो हम क्या चीज़ हैं। वो इस्तेहज़ाई हंसता फिर से स्टेज की जानिब देखने लगा। हाँ यासिम, रबीका बेतकल्लुफी उससे गले मिलने लगे तो समावे की निगाहें उन दोनों पर ठहर गई। कैसी हो, वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पूछने लगा। मैं बिल्कुल फिट, तुम बताओ, उसे देखते स्टेज की जानिब इशारा करने लगे जहाँ स्टीफन और हरीम एक दूसरे को केक खिला रहे थे। मुझे क्या होना है, तुम्हारे सामने हूँ, उसकी निगाहों का मफहूम समझता शाने उछकाने लगा। तुम्हारा मतलब ये कब हुआ, तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं कुछ, वो मुताज्जब से उसे देख रही थी। मॉम मैं आता हूँ, वह समाविया को कहता उसे कमर से पकड़ता आगे बढ़ गया जो उनकी बातें सुन रही थी। ये क्या चक्कर है, वो उन दोनों को जाते देखकर तनकीदी निगाहों से देखने लगी। सब कुछ तो वाजह था, बताने को था ही क्या, एक शादी रहती थी वो भी कर ली उन दोनों ने। वो बाहर बार पर कोहनी रखता स्टेज की जानिब देखने लगा। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अगर तुम पहले ही वक्त रहते मेरी बात मान लेते तो क्या हो जाता, हम दोनों का एक दूसरे से वैसे भी कोई लगाव नहीं था, कोई खास फर्क नहीं पड़ा मुझे, वह गिलास उठाता लापरवाही से बोला। स्टीफन चलता हुआ अहान के पास आ गया। कभी सोचा नहीं था अपने भाई की शादी ऐसे अटेंड करूंगा, वो आगे गोता सरगोशी करने लगा। तेज मौसीकी के बायस किसी और का उनकी बातें सुनना जरा कठिन था। हाँ, बिना इन्विटेशन के, स्टीफन जवाबन मुस्कुराया। बिल्कुल, कितने बेमुरवत हो ना तुम, एक ही भाई था उसे बिना बुलाया तो गया तुमसे, मसनू खपके से कहता उसके बाजू पर मुक्का मारने लगा। बस बस, किसी ने देख लिया तो तजस्सुस में पड़ जाएंगे। स्टीफन पैंट की जेब में हाथ डालता बाहर से टेक लगाकर सामने देखने लगा। क्योंकि बाहर दीवार के साथ बनाया गया था जो शुरू से लेकर गेट तक जा रहा था, इसलिए अच्छा खासा लंबा था। तुम असल वार कब कर रहे हो, बस मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा, वो हाथ में पकड़े ग्लास को एक ही सांस पर ख़त्म करता नाफी में सर हिलाने लगा। पेपर्स बनवाने के लिए दे चुका हूँ मैं, शायद कल मिल जाए या फिर परसों, बस अब दूर नहीं वो दिन, वो आंखों में चमक लिए उसे देखने लगा। नौशीन को जेर होते देखने बस मुझे, वही सुकून चाहिए, बोलते बोलते चेहरे पर सख्ती दराई थी। अब तो थोड़ा सा ही वक्त रह गया उन लोगों के पास, कर लेने दो एंजॉय, फिर ये महफिलें कहाँ से। वो अहान के शाने पर हाथ रखता बाएं जानिब खड़ी नौशीन को देखता तंजिया मुस्कुराने लगा। बिल्कुल अच्छा, मुझे अलीना बना रही है, चलता हूँ अब मैं, वो बाएं आंख का कोना दबाता बाएं हाथ बालों में फेरता आगे बढ़ गया। मेरी मिसेस कहाँ घूम रही हैं, वो मतलाशी ने कहा, इर्द गिर्द घुमाता मुँह में बुड़बड़ाया। वो कोने में जैनी के हमरा खड़ी थी, न जाने किस बात पर हंस रही थी। वो स्टीफन का दिल धड़कना भूल गया। कभी कभी मुझे शक होने लगता है तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या ये मोहब्बत का कमाल है, वो अपने ख्याल को झटक कर नफी में सर लाने लगा। उसने अभी दो ही कदम उठाए थे कि सामने से डेविड नमदार हुआ। ओह डेविड, उसे देखता हाथ आगे करने लगा। मुझे तो गुमान था सिर्फ तुम्हें हरीम पसंद आई है, मगर तुमने तो उसका भी दिल भी मोड़ लिया, वो हाथ मिलाकर गले मिलने लगा।
एलेक्स को कोई इनकार कर सकता है भला? उसने फ़खर से गर्दन घुमाकर बाएं अब्रूज कही। ऐसा तो मुमकिन नहीं, और नतीजा मैं देख रहा हूँ। वो निगाहें घुमाता हरीम को देखने लगा। स्टीवन के चेहरे पर फातेहाना मुस्कुराहट रेंग गई। मुझे नौशीन ने बुलाया, तुम्हारे निकाह से एक दिन पहले मुझे फ़ोन आया था उसका। वो पीछे बाहर से वाइन वाला ग्लास उठाता बताने लगा। क्या कह रही थी? तुम्हारे मतलब पूछ रही थी, कहाँ से हो, फैमिली वगैरह। मादे की कड़वाहट के बायस वह झुरझुरी देने लगा। अच्छा, फिर? उसकी दिलचस्पी बढ़ी तो हरीम से निगाहें हटाकर डेविड को देखने लगा। फिर क्या, मैंने बता दिया कि ऐसा वैसा कुछ है ही नहीं बताने को। वह हंसता हुआ दूसरा ग्लास उठाने लगा। इंजॉय करो, उसके शाने पर हाथ रखकर कहता आगे बढ़ गया। मिस हरीम, वो पेंट की जेब में हाथ डाले उसके मुकाबला रुका। उसके अंदाज पर पहले मुस्कुराई और फिर उसे देखने लगे। टाइम नहीं है आज आपके पास मेरे लिए, उसने खफके से हरीम को देखा। ऐसा तो नहीं है, तुम वहाँ चले गए तो मैं जैनी से बातें करने लगी। उसके शाने पर बाजू रखते मुस्कुराने लगी। ओके, मैं ड्रिंक लूँ जाकर, जैनी उन्हें प्राइवेसी फ्राहम करती आगे बढ़ गई। लग तो ऐसे ही रहे, जैनी से शादी हुई तुम्हारी, उसने आंखें छोटी करके उसे घूरा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा स्टीव इतना पजेसिव होगा, वह शरीर अंदाज में कहती उसकी नाक दबाने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। बस ठीक है, अपने दोस्त के पास ही जाएं आप, वो लाड करने वाले अंदाज में कहता उसके बाजू हटाने लगा। कोई नहीं, बल्कि वो हमारा डांस करने का वक्त हो गया, वो कोने में डीजे को देखती चहकी। जैनी के साथ कर लो, वो मुड़ा ही था कि हरीम उसके बाजू पकड़ कर चलने लगे। तुम्हारे अलावा और कहाँ जाना है मुझे स्टीव, वो खुमार आलूद लहजे में बोली तो वह धीरे से मुस्कुराया। क्यों मुझे बार बार बुला लेती हैं आप लोग? बिल भर नहीं रहा मेरा मैनेजर, होवर्ड कुर्सी पर बैठता हुआ थाड़ा। क्योंकि आप जो काम करवा रहे हैं मुझ पर, कल को कोई केस भी कर सकता है इस बिना पर। आपकी वाइफ कोमे से बाहर आ चुकी हैं, मैं और कितना वक्त उन्हें इंजेक्शन लगाकर बेहोश रखूं? डॉक्टर चेहरे पर ताजुब लिए उसे देख रहा था। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे आ रहे हैं, वो तिनक कर बोला। तो फिर आप वैसे ही इंजेक्शन लगवा कर उन्हें मार दें, उसे अब गुस्सा आने लगा। ताकि कल को उसके घर वाले पोस्टमार्टम करवाएं और मुझ पर इल्ज़ाम आ जाए उसकी मौत का, बचबा चबा कर कहता कुर्सी की पुश्त में से टेक लगाने लगा। तो इंजेक्शन से भी अनकरीब वो मर ही जाएंगी, फिर पोस्टमार्टम हुआ तो क्या करेंगे आप? डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहते हुए दोनों भवें उठकाई। नहीं करवाएंगे, सबको मालूम है वो कोमे में है, और इसे गुमान में सबको रखना है मुझे बस, भातमी अंदाज में कहता खड़ा हो गया। आप किसी और हॉस्पिटल ले जाएं उन्हें, फिर मैं अपने करियर को दाव पर नहीं लगा सकता मजीद, होवर्ड को पलटते देखकर डॉक्टर खड़ा हो गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। करियर बचाना है या अपनी ज़िंदगी? उसने नाव पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोला। मैं ये काम मजीद नहीं कर सकता, वो बेबसी से गोया हुआ, ना निकल पा रहा था ना उगल पा रहा था। तुम ही करोगे, लीजा को इस हाल में तुम ही रखोगे, और अगली बार की बात कहने में मैं नहीं आऊँगा, वो आंखों में तंबी लिए दरवाज़ा खोलने लगा। इस बात से अनजान के बाहर कोई तेज़ी से गुजरा है। हरीम, उनका क्या इरादा है फिर तुम्हारा? वो मग लबों से हटाती हरीम को देखने लगी। स्टीफन से बात की थी मैंने, वो तो कह रहा था जहाँ दिल करे। हाँ, उसने कौन सा अपनी जेब से पैसे देने? नौशीन तंजिया मुस्कुराने लगी तो समाविया भी हंसने लगी। मॉम, मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि वो स्टीफन की इंसल्ट करे, उसने हाथ में पकड़ा मग ट्रे में रख दिया, गुस्सा चेहरे से छलक रहा था। ऐसा क्या कह दिया खाला ने जो तुम्हें बुरा लग रहा है? कुछ गलत तो नहीं कहा वैसे? आसिम ही महसूस हो रहा था इस सबसे। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को? अपनी मामा से बात कर रही हूँ मैं, बेहतर होगा तुम अपनी हद में रहो, वो मुठियाँ भेज कर तेबरी चढ़ाकर बोली। हरीम, क्या हो गया तुम्हें? वो तो सिर्फ बात ही कर रहे, नौशीन उसके बात पर उसके बाजू पर हाथ रखकर उसका गुस्सा कम करना था। क्यों कर रहा है वो स्टीव के बारे में बात? किसी ने कहा उसे मुदाखलत करने को? उसका पारा फुल हाई हो चुका था और सब पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रहे थे। इसी असना में गेट से चंद लोग अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। ये कौन है? आसिम की निगाह सबसे पहले उन अफराद से टकराई जो सियाह थ्री पीस में मलबूस थे। मिस हरीम कौन है? उनमें से एक ने उनके पास आते हुए इस्तफसार किया। मैं हूँ, वो कहती हुई खड़ी हो गई। ओके मिस हरीम, मैं ट्रीवर ब्राउन हूँ, आपको ये घर खाली करना होगा, हम कोर्ट की जानिब से नोटिस लेकर आए, नए ऑनर आज ही यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। उसने हाथ में पकड़ी फाइल से एक नोटिस निकाला और हरीम की जानिब बढ़ाया। क्या मतलब? ये घर सेल किसने किया? नौशीन अचंभे से कहती खड़ी हो गई। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैंने ये घर सेल नहीं किया, वो नोटिस खोलती ठटक गई। मगर मैंने सेल नहीं किया ये घर, कैसे मिस्टर एलेक्स और मिस्टर अहान इसके ऑनर हो सकते हैं? पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अहान का नाम सुनते ही अलीना ठटक गई। मैंने सही सुना है या गलत? वो सर झुकाकर खुद कलामी करने लगी। ये तो हम नहीं जानते, पेपर असली हैं जिसके बिना पर हम घर खाली करवाने आए हैं, बाकी के मामला आप मालिकान से बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे कैसे डिस्कस हो सकते हैं? हरीम, तुमने कौन सी हिमाकत की है? अब नौशीन तिल मिलाती है उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानी मोड़ने लगी। माँ, मुझे खुद भी इल्म नहीं कैसे घर उनके नाम हो गया, वो बौखलाई सी कभी नौशीन को देखती तो कभी हाथ में पकड़े सफ़े को। हमारा क्या होगा अब? समाविया ने आसिम को कोहनी मारी। जो इनका होगा, वो शाने उचकाता नौशीन की जानी इशारा करने लगा। काइंडली आप उन नए ऑनर को बुलाएं, मैं पहले उनसे बात करूंगी, उसके बाद ही ये घर, उससे आगे वो हरीम से बोला ही ना गया। शायद वो आने वाले हों, आप कहती हैं तो मैं एक बार कॉल कर देता हूँ उन्हें, वह पेशावराना मुस्कुराहट लिए जेब से फ़ोन निकालने लगा। सच सच बताता तुमने ये घर किसके हवाले किया? नौशीन का बस नहीं चल रहा था हरीम का हशर कर देती। आपको मैं पागल लगती हूँ? मैं क्यों किसी के भी नाम करूंगी ये घर, और मुझे तो उन दोनों का मालूम भी नहीं जिनके नाम लिखे हैं,
उन लोगों के बायस आवाज़ को हथौले बस्ती मध्यम रखती गुस्से में बोली थी। अच्छा तो तुम्हारे साइन के बगैर ये कैसे मुमकिन है, मुझे भी बता दो। वह सीने पर बाजू बांधे चबा चबा कर बोली थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब पता नहीं मुझे, वो पेशानी में सलते झंझला कर बोली। इस मामले को वह जितना सोच रही थी उतना उलझती जा रही थी। तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम है हरीम, वो उस पर चिल्लाई तो हरीम का दिमाग मजीद खराब हो गया। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं, नजर नहीं आ रहा मैं भी लाइल में इन सारे झमेलों से, अब के उसने भीड़ गिर से बेनियाज होकर चिल्लाते हुए उसे जवाब दिया। दूध पीती बच्ची हो ना जो तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी और अब, बात अधूरी छोड़कर हंकारा भरती साइड पर हो गई। स्टीफन कहाँ है, ऑफिस से आया क्यों नहीं अभी तक, वो ट्रेवर को देखने लगी जो फोन बंद करके जेब में डाल रहा था। बस पहुँचने वाले हैं, वो पलटकर हरीम को आगाह करने लगी। मालूम हो जाएगा अभी, हरीम बाकी सबकी निगाहों में उठते सवाल देखते जताने वाले अंदाज से बोली। 15 मिनट की तवील खामोशी हायल रही, वहाँ इस खामोशी में फैला तनाव वहाँ मौजूद सभी घरवाले महसूस कर रहे थे। फिर से गेट खुला और सियाह रंग की लशपश करती गाड़ी अंदर दाखिल हुई। उसके बाद मुबादा गाड़ियों की लाइन लग गई, 5 गाड़ियाँ पोर्च में आकर रुक चुकी थी। कौन है ये, नौशीन का तजस्स उस प्रोटोकॉल से बढ़ रहा था। आगे पीछे वाली गाड़ियों से गार्ड्स बाहर निकले और वस्त वाली गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाले लगे। सबकी निगाहें और तवज्जो का मरकज वही वस्त वाली गाड़ी थी। सियाह रंग के जूते दिखाई दिए और फिर वो शख्स बाहर निकला जिसके वह सब मुंतजर थे। सियाह रंग की पैंट शर्ट पे सियाह कोट पहने, आंखों पर सियाह रंग के गॉगल्स लगाए और जेब में हाथ डालकर गर्दन अकड़ाए खड़ा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। दूसरी जानब से दूसरा शख्स बाहर निकला और उसके हमरा आकर खड़ा हो गया जो सफ़ेद शर्ट के साथ सियाह पैंट पर सियाह कोट जेबतन किए हुए था, आंखों पर सियाह गॉगल्स लगाए, चेहरे पर मखरूराना से मुस्कुराहट थी। उन दोनों को देखकर सबके मुंह हैरत की ज्यादती से खुल गए। स्टीफन, हरीम ने बेयकीनी की कैफियत में जेरे लब दोहराया, ये कैसे मुमकिन है। अलीना अपनी जगह पर मतहयर थी अहान को देखकर। डोंट टेल मी हरीम, तुमने घर इस भिखारी के नाम कर दिया, नौशीन को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हो रहा था। नहीं स्टीफन, ये सब क्या है, वो मुस्तरिब से उसकी जानी बढ़ी जो छोटे छोटे कदम उठा रहा था। अभी तक कुछ बताया नहीं आपने इन्हें, स्टीफन चेहरे पर खौफ के लिए ट्रीवर को देखने लगा। तुम्हारे नाम ये घर कैसे हुआ, कब दिया मैंने, उसके बाजू पकड़ती हुई अपनी ही रो में बोल रही थी। जिसके जवाब मिलने पर वो वहीं खामोश हो गई। उस दिन जो पेपर्स मैंने साइन किए थे, उसके दिमाग में धमाका सा था, शौक के आलम में उसे देखने लगी। बेबी इतना क्यों उलझा रही है खुद को, तुम तो मेरे साथ इसी घर में रहोगी, बस बाकी सबको अपना ठिकाना तकय्यूर करना है। क्योंकि वो उसके मुकाबल खड़ी थी इसलिए वो चेहरा दाएं जानब करके नौशीन और आसिम को देखने लगा, चेहरे पर जलाने वाली मुस्कुराहट थी। ऐसे कैसे ये घर तुम्हारा हो गया, नौशीन तपाकर बोली। ये खड़े हैं पूछने इनसे, घर से उठाकर तो नहीं लाया इन लोगों को मैं, कोर्ट की जानब से नोटिस आया, उसने बाएं जानब खड़े उन लोगों की जानब इशारा किया। तुमने धोखा दिया मुझे, वजह से अब उस ट्रांस से निकली थी। धोखा कैसे डियर, याद करो उस दिन जब मैं कमरे में पेपर लेकर आया था, उस लम्हे हरीम को उसकी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। उस रात के मंजर याद करती माजी में चली गई। पेपर्स आ गए, वह हाथ में फाइल पकड़े बेड के पास आया। हरीम ब्रेड क्रम्स से टेक लगाए लैपटॉप गोद में रखे हुए थी। अच्छा लाओ मैं साइन कर दूँ, फिर कल से एक साथ ऑफिस जाएंगे, वो जो चिप्स खा रही थी टिश्यू से हाथ साफ करते इशारा करने लगी। उसके हमरा बैठ कर फाइल लैपटॉप पर रखने लगा। हरीम ने साइड टेबल से पेन उठाया, फाइल खोलकर साइन करने लगी थी कि स्टीफन ने उसे टोक दिया। पढ़ तो लो, उस लम्हे न जाने वो खुद को और हरीम को आजमा रहा था, मगर उसने ये रिस्क लेना जरूरी समझा था। पढ़ने की क्या जरूरत है मुझे, तुमने पढ़ लिया होगा खुद ही, 40% शेयर अपने नाम कर रहे हो ना तुम, वो साइन करते इस्तफसार करने लगी। हाँ 40%, उसके लबों से अभी लफ्ज अदा हुए ही थे कि हरीम ने सूरत से साइन करके फाइल बंद कर दी। ये लो मैं अपनी मूवी ख़त्म कर लूँ, वो फाइल उसे थमाती हेडफोन उठाने लगी। ओके, वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। हरीम को कोफ्त सदा से पेशानी से मसलने लगी। मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, पेपर साइन करने से कबल मैंने कहा था कि पढ़ लो, उसके चेहरे पर झूलती लटको कान के पीछे करता तमानियत से बोला। शट अप स्टीफन, ये धोखा ही है, मैंने तो तुम पर एतबार किया था कि जितना कहा है उतना ही करोगी, मुझे इल्म ना था तुम्हारी नज़र इस घर पर है, उसका हाथ झटकती आंखों में अफसोस लिए उसे देखने लगी। व्हाटएवर, आप लोग क्या चाहते हैं मैं पुलिस को बुलाऊं, क्या महज़ब तरीके से जाने में कोई एतराज़ है, उसे निगाहें हटाता कब में खड़े अफराद को देखने लगा। मॉम हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, ये घर अब इसकी, और मुझे पलट कर बोल रही थी रुककर आहान पर नजर डालने लगी। इसका हो चुका है, चेहरे पर नागवारी मुहित थी। हम नहीं मिसिस, तुम यहीं रहोगी मेरे पास, वो उसे बाजू से पकड़ता इस्तेकाक से बोला। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते तो मेरे साथ, वो खुराती हुई अपने बाजू छुड़ाने की सही करने की, जो चाहे कर सकता हूँ मैं, वो पथरीले तासुरात लिए उसके बाजू पर मजीद दबाव डालने लगा। वो तो उसके बदले रूप से शौक में थी और उस पर उसके धोखे का इंकशाफ किसी पहाड़ की मानंद उसके सर पर आकर गिरा था। चलें खाला हमें जाना पड़ेगा, बहस से हम खुद को उनके सामने जाहिल साबित करेंगे, आसिम ट्रिवर और उसके हमरा बाकी आदमियों की बात कर रहा था। लेकिन ऐसे उसे जैसे इतनी बहस और तमहीज के बाद भी यकीन नहीं आया था कि ये पहले सब उनके हाथ से जा चुका है। स्टीफन मेरा बाजू छोड़ो, जब अपनी काविश में नाकाम रही तो शोला बार निगाहों से उसे देखने लगी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, अब खामोशी से चलो मेरे साथ, उसे कहरा लुद निगाहों से देखता अपने साथ लिए कदम उठाने लगा। अहान कब का अंदर जा चुका था, बाकी सब भी मरे मरे कदम उठाने लगे।
स्टीफन छोड़ो मुझे, नहीं रहना तुम जैसे लालची और धोखेबाज इंसान के साथ मुझे। वो मुसलसल मजामत कर रही थी, उसके खींचने पर उसके हमराह चलने पर मजबूर थी। हरीम अपना मुंह बंद रखो, वो लम्हे भर को रुका, उसका डपट कर फिर से चलने लगा। लाउंज से सीढ़ियों तक का रास्ता एक लम्हे में उसने तय कर लिया। स्टीफन मैं भी कुछ बकवास करेंगे तुमसे, वो रीलिंग को पकड़ती रुक गई तो नाचार स्टीफन के कदमों में भी लगजिश आई। बहुत हर थरम उसे हरीम की रिटाई पर जी भर कर गुस्सा आया। ब्रो मेरा रूम कौन सा है? आहान ऊपर रीलिंग पर दोनों हाथ फैलाए किसी नवाब के मानिंद खड़ा था। जो दिल चाहे ले लो, पूरा पैलेस हमारा है। वो कहकर पलटा, एक गुस्से से भरी निगाह हरीम पर डाली और उसे बाजुओं में उठा लिया। उसके इस कदम पर हरीम का मुंह खुल गया। न जाने वक्त की नजाकत ऐसी थी कि उसके दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि वह उसे उठाकर भी ले जा सकता है। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। स्टीफन मैं जान से मार दूंगी तुम्हें, छोड़ दो मुझे। चूंकि उसने हरीम को उठाकर शाने पर डाल रखा था इसलिए उसकी कमर पर मुक्के बरसाने लगी, मगर उस जैसे मजबूत आसाब के मालिक को उसके नाजुक हाथों से क्या फर्क पड़ना था। कमरे में आकर स्टीफन ने उसे बेड पर फेंक दिया। तुम ये सब करके खुद को काबिले नफरत बना रहे हो, चेहरे से बाल हटाती उठने लगी। उसे अपनी बेबसी पर रोना और उसकी जबरदस्ती पर तैश आ रहा था। अच्छा, उसने सवाल की अब्रू उठाई, तुम मुझसे नफरत कर ही नहीं सकती? मैं करने दूंगा तब ना, वो बड़े वसूख से कहता पलट गया। घर से निकलना बंद है तुम्हारा, और मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर का गेट भी पार नहीं कर सकोगे। वह चेहरे पर सख्ती तारी किए हुए था, एक अलविदाई निगाह उस पर डालकर वह बाहर निकल गया। ये सब क्या है? उसने झिझलाहट भरे अंदाज में दोनों हाथों से सर थाम लिया। बाहर से दरवाजा लॉक होने की आवाज़ सुनाई दी तो हरीम का दिल मजीद बोझल हो गया। आंसू जी ने वो छुपाए हुए थे, एक लम्हे का भी ज़िया किए बगैर उनकी उसकी आंखों में चमकने लगे। क्यों कर रहे हो ये सब तुम? ऐसे जालिम तो नहीं थे तुम स्टीफन? वो चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। वो दोनों हाथ पैंट की जेब में डालता आखिरी जीने पर रुक गया। मुलाजमों में भी हलचल से मच गई थी, हर कोई यहाँ से वहाँ भागता दिखाई दे रहा था। कितना सुकून मिल रहा है ना, ऊपर खड़े आहाने तमानियत भरे अंदाज में कहा। इतना के लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, स्टीफन उसी मानिंद उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा रहा। बहुत इंतजार किया इस लम्हे का और बिलाखिर वह वक्त आ ही गया। उसके चेहरे पर फैला सकूत उसके अंदरूनी कैफियात का हाल बयान कर रहा था। अब आराम से सो सकते हैं हम भी, स्टीफन तायदी अंदाज में सर हिलाने लगा। अलीना नीचे है, जरा उसको देखूं मैं। आहान महसूस होने की खातिर जीने उतरने लगा। किसी मुलाजिम से कहते ना तुम्हें अलीना के कमरे में ले जाएगा, उसे अपने साथ आते देखकर स्टीफन ने स्पॉट अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, वह कहकर बाएं जानी राहदारी में मुड़ गया। घड़ी से चंद लम्हे ही सरक कर कम हुए थे कि नौशीन बोलती हुई वहां नमदार हुई। ये सारा सामान तुम खुद पैक करोगी? नैना कहाँ जा रही है? स्टीफन की आवाज़ पर नौशीन ने नागवारी से उसे देखा। जिसके साथ काम करती थी उसी के साथ जाएगी, तनक कर जवाब आया। कहीं नहीं जाएगी, यहाँ से बाहर अगर तुमने कदम रखा तो दोबारा अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाओगी। उसके धमकी आमेज अंदाज पर नैना ने बेचैनी से नौशीन को देखा। दो चार दिन तुम करो यहाँ काम, फिर बुला लूंगी तुम्हें मैं। फिलहाल वो मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं थी इसलिए अकलमंदी से काम लेती मफाहमत पर उतर आई, क्योंकि मुकाबले के लिए बराबरी का होना लाजिम था। और उस वक्त वह स्टीफन से नीचे आ खड़ी हुई थी। कितना नीचे, ये तो वक्त ही बताने वाला था। ओके मैम, वह सर हिलाती वहीं से पलट गई। आधा घंटा आप लोगों के पास, मेरा घर खाली करें और चलते बने यहाँ से। वह उंगली उठाकर दरवाजे की सिमत इशारा करता मकरूर से बोला। हमारे पैसे पर इतरा रही हो इसलिए ज्यादा हवाओं में मत उड़ो तुम। वो जलती निगाहों से देखती बेरुखी से मुंह फेर गई। वक्त बताएगा कौन गलत फहमी में जी रहा था और कौन खुश फहमी में, वो चैलेंज करने वाले अंदाज में कहता पलट गया। दो घंटे बाद उसने कमरे का लॉक खोला। दरवाजा बंद करते हुए उसने निगाह बाएं जानी बेड की जानब डाली। हरी मोने मुंह गिरने के से अंदाज में बेड पर लेटी थी। आहट पर भी उसके साकित वजूद में कोई हरकत ना आई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वो कोट उतारकर सोफे पर उछालता उसकी जानब पढ़ा। लाइट पिंक कलर की नेट को परे करता वो बेड के किनारे बैठ गया। किस बात का सोग मना रही है? वो उसके बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला तो वो खरंड खाकर सीधी हुई। डोंट टच मी, तुम जैसे घटिया इंसान के मैं शक्ल देखने की भी रवादार नहीं हूँ। वह सुर की मायल आंखें उस पर मरकूज करती हकारत से बोली। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो तुम्हें टच करने से? वह इस तरह हंसता उसकी गर्दन पर हाथ रखने लगा। हाँ रोक सकती हूँ और रोक कर दिखाऊंगी तुम्हें, उसने दृष्टि से कहते हुए उसका हाथ झटका। तुम्हें किस बात का दुख है बताओ मुझे? शोहर हूँ मैं तुम्हारा, जो मेरे पास है वह सब तुम्हारा ही तो है। उसने दांत पीसते हुए उसे बाजू से पकड़कर खींचा तो हरीम का सर उसके सीने से आ लगा। जंगली हो तुम, उसके फरादे गिरफ्त पर कुलस कर बोली। आन की आन में आंखें नमकीन पानियों से लबरेज हो गई। ये आंसू किस लिए? उसकी आंखों में नमी देखते दूर नरम पड़ा। दूर हटो मुझसे स्टीफन, उसने बेरुखी से कहते हुए मुंह मोड़ लिया। ऐसे दूर धकेलती रही तो मैं और भी करीब आऊंगा, वो आगे हुआ तो लब उसके रुखसार से मस होने लगी। उसकी गर्म सांसें हरीम अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। उसका एहसास आज उसे जहर के मानिंद लग रहा था। हर चीज़ पर तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, भले ये पैलेस तुम्हारा है अब, मगर मुझ पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकते तुम, वो कहकर उसके हाथ पर नाखून चुबाने लगी। मुझे नहीं मालूम था जंगली बिल्ली हो तुम, उसकी कैफियत महसूस हो रहा था। निचला लब दांतों तले दबाए वह दिलचस्प निगाहों से उसे देख रहा था, जिसका हाथ हटाने में हलकान हो रही थी। शायद तरस आ रहा था उस पर, इसलिए गिरफ्त मभम से कमजोर की ताकि उसका हाथ अपनी बाजू से हटा सके। बात मत करना मुझसे अब तुम, बल्कि मेरे कमरे से निकलो, वो दूसरे सिम से बेड से उतरती हजियानी अंदाज में चिल्लाने लगी। हरीम, उसने आहिस्तगी से पुकारा।
आई हेट यू स्टीफन, आई हेट यू तुमने, अशको ने लफ्ज़ों का गला घोंट दिया तो वह अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। तुमने मेरा एतबार तोड़ा है, सब ख़त्म कर दिया, अफसोस हो रहा है मुझे अपनी पसंद पर आज। वो आंखों में शिक पे लिए बेदर्दी से उन्हें रगड़ने लगी। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, वो सर्द आह भरता निगाहें चुराने लगा। शायद उसे आंसू बहाते देखता तो कमज़ोर पड़ जाता। बेड के दाएं जानिब स्टीफन था तो बाएं जानिब हरीन। गेट आउट, उंगली उठाकर हलक के बल चिल्लाई, तुम तो ऐसे बोल रही हो। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। गेट लॉस्ट स्टीफन, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, बस के बाद काटती रुखाई से बोली तो वह चंद लम्हों उसका चेहरा तकता रहा। फाइन, वह तड़क कर कहता लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। ये क्या कर दिया मैंने, तुम पर इतना अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था। मॉम, खाला सब कहाँ गए होंगे, वह अफसोस के आलम में कहती मुँह पर हाथ फेरती यहाँ से वहाँ टहलने लगी। कॉल करूँ, वह बोलती हुई रुक गई। क्या कहूँगी कॉल करके, मॉम तो मुझसे गुस्सा है, आखिर इस सब का सबब मेरी लापरवाही है, मेरा स्टीफन पर एतमाद है। वो खुद कलामी करती फिर से चलने लगी। आंखें फिर नमकीन पानियों का घर बन गई थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज के एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाज़िर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।